सो हेलो वेलकम बैक टू तो जैसे मैं बता रहा था, ये नदी में बहुत सारे लोग सुबह शाम यहाँ पर जाल गिराया जाता है, उसके बाद अपने फैमिली को चलाने के लिए मछली पकड़ते हैं। तो हमें एक भाई मिले हैं जो अभी जाल उठाने के लिए आए थे, तो हम उनका थोड़ा सा समय बर्बाद करेंगे और पूछेंगे कि कैसा लगता है। कितना बजे के आसपास में आप आते हैं डेली? डेली आते हैं क्या? अरे भाई देखिए, हम लोग नदी किनार का आदमी है, हम लोग का खेत जमीन डूबा हुआ है, इसलिए हम लोग जो भी उधर भी बचा हुआ है चास उस करते हैं। फिर भी हम लोग घर में रह के नदी नाला का काम करते हैं, डोंगा चलाते हैं, मछली कुछ मारते हैं, 2 किलो 1 किलो 4 किलो जो भी हम लोग का परिवार का जो हो जाता है, हफ्ता में उसको सुखाते हैं, बेचते हैं बाजार में। हफ्ता में एक बार बेचते हैं हफ्ता में, यानी कि जो हो जाता है व्यापारी हम लोग का आ जाता है सुबह सुबह, जो 1 किलो हो 1.5 किलो हो उसको वजन कर देते हैं, कम से कम रेट मिलता है हम लोग का 150 का अंदर मिलता है, तो हम लोग उसको बेच देते हैं। बाकी छोटा मछली जो होता है उसको हफ्ता में बेचते हैं पुआल में सुखा कर रौद में, यानी कि कभी आँच उच में सुखा देते हैं और बेचते हैं हफ्ता में, वो भी हो जाता है 1,000-1,200-1,500 जो भी हम लोग जीने के लिए चलने के लिए और इसी से जिंदगी चल रहा है यही डोंगा चला कर चल रहा है। ये नदी का नाम थोड़ा सा बताइए। ये नदी है, अब हम लोग बीच में है, अभी बीच में ना, बीच माने बीच में नहीं है, बीच में भी है, लेकिन ये हो गया लोड़गे जो उतर गया है कदम उड़ा से नीचे, सन कुचलो हो रहा है, ये बड़कुचलो नदी पार वाला जो दिख रहा है ना, आप देख रहे हैं उधर से मोबाइल घुमाएंगे आप तो देख सकते हैं, तो बड़कुचलो उसको बोलते हैं, ये वाला को सन कुचलो बोलते हैं। नीचे तरफ हो गया आपका बुरी कुदर हो गया, उधर से हो गया कांस पहाल से आपका झारबेड़ा दुबला बेड़ा इधर हो गया, नदी पार से आपको बोलेंगे हम तो यहाँ बड़कुचलू से हो गया सारू मोहन से गोबरपेटी होके उधर से मदरिया डैम हो जा रहा है। अच्छा, ऊपर देखने से इधर कदम मुंडा हो जा रहा है, कदम मुंडा से लेकर आगे अंधारी से वो रंगा बीरा होके दल की हो जाएगा, फिर बड़कुचलू होके इधर से जाने से आपका जो हो जा रहा है, ये देखिए भेलवाड़ी खुकुरा मुड़ा से लेकर वो भी तल की पहुंचेगा उधर से। आज का कितना हुआ मछली? आज अभी का ये शाम का समय में करीब 1/2 किलो जैसे होगा, आप लोग खाएंगे तो ले सकते हैं तो यहाँ पर भी है थोड़ा बहुत,
और यहाँ भी है खेल। थैला में तो नहीं दिख रहा है। हाँ। नहीं दिख रहा है, ये जो भी निकाले हैं तो जो है तो है, तब उसका सही है नहीं। ये जो है छोटा मछली बड़ा मछली तो ऐसे ही थोड़ा बहुत डेली होता है। हाँ। और उसको सुखा के हफ्ता में एक दिन बाजार लिया जाता है ना। तो आप कहाँ से हैं भाई? हम जो है सान कुचलू से है, इधर ही मतलब नदी का उस पार से है। अच्छा, सामने में है। तो धन्यवाद, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ठीक है, हाँ, मिलकर अच्छा लगा भाई। हम भी बोलने में कोई कसर भी नहीं छोड़े। अच्छा लगा, ऐसे ही होना चाहिए। कल देख ले वीडियो तो हीरो लगा थी। तो अभी अभी एक भाई से मिले थे जो कि हमारे नदी के उस पार, हम लोग हैं इस पार के, तो भाई थे इस पार के। तो उनके मुंह से हमने बहुत कुछ ये जाना कि नदी में वो कितना टाइम को आते हैं, कैसे करते हैं, सुबह और शाम को मछली जमा करते हैं डेली का, और हफ्ता में एक दिन बाज़ार लेते हैं और उन्हीं से उनका फैमिली चलता है। वो भाई के जैसे ही बहुत सारे ऐसे फैमिली हैं जो इस नदी पर निर्भर हैं, और ये नदी ही उनका एक बहुत बड़ा जीविका बोल सकते हैं। तो मैं बहुत दिनों के बाद गाइस चला रहा हूँ, देख सकते हैं कैसा चला रहा हूँ। तो थोड़ा हिल रहा है डोंगा, पर नज़रअंदाज करिएगा। और आप लोगों को घूमना होगा तो कांटेक्ट जरूर करिए, कमेंट में ज़रूर ये बोलिएगा कि हमें भी संत नदी घूमना है, भाई घुमा थोड़ा। तो हम अपना भाई से बात करेंगे, और जितना भी आ सकते हैं ना पूरा डोंगा रिजर्व करके आप लोगों को घुमाने लेंगे। सब कोई बोट वोट में घूमते हैं ना, ये सब का एक्सपीरियंस जो करता है उसी को नदी का असली मायने पता होता है। अभी तो फिलहाल और क्या बनाएंगे पता नहीं, अंधेरा हो रहा है। तो जाते जाते देखते हैं क्या क्या सब हमें देखने को मिलता है। और अभी तक देख सकते हैं गाइस नदी में आदमी सब है, और ये तो कुछ भी नहीं, रात को भी रखते हैं थोड़ा बहुत। और ये जो देख सकते हैं गाइस, थोड़ा सा कैमरामैन उधर घुमाइएगा, फोकस करिए। तो उनके जैसे ही बहुत लोग शाम को आते हैं नदी में। तो ये रहा।